तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, और उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है, जिसके बारे में बहुत ही लोग ये जानना चाहते हैं, और बहुत ही लोगों को एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम आ रही है जो अभी हाल ही में ट्रैवल करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं कहीं भी किसी कंट्री में, या किसी और कंट्री से इंडिया में आ रहे हैं, कहीं भी कहीं इधर उधर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो रही है आपकी, तो ये वीडियो है आपके लिए। किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने एक्चुअली मेरे साथ मैंने अभी रिसेंट ट्रिप प्लान किया था दुबई के लिए अमृतसर से, तो फॉर सम रीज़न आई वॉज ऑफलोडेड फ्रॉम द फ्लाइट, एंड रीज़न क्या है आप इस वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली, जैसे मैंने सोचा था कि लंबी हो जाएगी काफ़ी, तो इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और बारी बारी से इसको अपलोड करूँगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, कुछ अलग अलग पार्ट हैं जिनमें तीन चार चीज़ों की मैं बहुत बैंड बजाने वाला हूँ। पहले मैंने सोचा था नहीं, और मैंने मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा था कि चलो छोड़ो यार, जो हो गया सो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। बहुत सारे जो हमारे बहुत ही मैंने देखा, मैं जब वहाँ पे अमृतसर एयरपोर्ट पे गया था, तो इंक्लूडिंग मी मोर देन 15 पैसेंजर्स जो थे उस दिन उस फ्लाइट में, उनको भी 15 पैसेंजर्स थे तो उनको भी जाने नहीं दिया गया। उसके बाद एक फ़्लाइट कैंसिल करी, उसके बाद एक फ़्लाइट थी और उसमें से भी पैसेंजर्स को नहीं जाने दिया गया, लेकिन वो रीज़न क्या था वो सब आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो शुरू करता हूँ सबसे पहले ये कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि सबको, ताकि सबको पता हो, ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो कि जो मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, बहुत सारा टाइम पैसा। हम लोग जब हमारा कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग डैमेज काउंट करते हैं हमारी टिकट का, हमारे टिकट का प्राइस, हमारे जब हमने होटल बुकिंग की होती है या नहीं की होती है वो, लेकिन हम लोग उसमें जो नहीं काउंट करते हैं वो है टाइम, जो हम उस वहाँ जाने के लिए वो टाइम देते हैं, फिर वहाँ जाने के लिए हमारा जो एक्सपेंस होता है वहाँ पहुँचने के लिए, फिर वहाँ उस चीज़ को प्लान करने के लिए हम लोग जो शॉपिंग करते हैं वो काउंट नहीं करते, वो सब कुछ मिला के जो भी एक टाइम बर्बाद होता है लोगों का, वो सब इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपका वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। तो हाँ, जैसे कि मैं दुबई जा रहा था, तो अगर आप भी दुबई जा रहे हैं या कहीं और किसी कंट्री में जा रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका पासपोर्ट है, अगर इंटरनेशनल ट्रैफिक कर रहे हैं तो आपका जो पासपोर्ट है जिस डेट को आप जा रहे हैं उसके आगे का 6 मंथ्स का उसकी और वैलिडिटी होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आपके पास उस कंट्री का वीज़ा होना चाहिए, और उस कंट्री के जो भी लेटेस्ट कोविड-19 को लेके लेटेस्ट अपडेट्स गाइडलाइंस है वो आप अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए, ताकि हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। किसी भी टाइम पे अगर आप वीज़ा अप्लाई करने के वक्त और होते हैं, और अगर आपकी फ़्लाइट जिस दिन जा रही है एक दिन पहले वो थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं, तो वो आप अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए कि आप उसके लिए उस कैटेगरी में अच्छी तरह से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है आपकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। जी हाँ, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग करते हैं कि कोविड नेगेटिव कोई बड़ी बात तो है नहीं, कि पहले हम लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा आएगा तो फिर टिकट बुक करेंगे, फिर होटल बुक करेंगे और जाने से। और इसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, वो है कुछ कंट्रीज़ का रूल है। अभी जैसे यूके का न्यू स्ट्रेन आया है, तो उन्होंने अपना 72 आवर्स का, जिस दिन आप यहाँ से जा रहे हैं फ्लाइट में वो, और जिस दिन आपका टेस्ट हुआ था वो, और जिस दिन आपको वहाँ पे उस कंट्री में पहुँचना है, ये सारा का सारा जो 72 आवर्स के बीच में होना चाहिए, जो आपका टेस्ट रिपोर्ट है कलेक्शन, और सबसे बड़ी बात जो सैंपल कलेक्शन का टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज 1 तारीख है और मैंने दोपहर को 1 बजे वो टेस्ट करवाया, तो वो 1 बजे से लेके वो उसके ऊपर जो आपका सैंपल कलेक्शन ऑफ द टाइम होगा वो होगा 1 बजे, और उसके बाद से लेके 72 आवर्स काउंट होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की कोई गलती नहीं थी, 1 तारीख को उन्होंने करवाया टेस्ट 1 बजे, और वो पहुंच गए विद अपने हिसाब से, टिकट करवाई उन्होंने 2 दिन के बाद की, यानी कि वो एयरपोर्ट पे अमृतसर तो या हम दिल्ली कहीं भी पहुंच रहे हैं विद इन 72 आवर्स, लेकिन वही जब वो किसी और कंट्री में जैसे वहाँ पहुँचेंगे अराइवल टाइम,
तो वो अराइवल टाइम उनका 72 आवर से ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वहाँ तो फिर उनको फ़्लाइट में जाने ही नहीं दिया जाएगा, अगर जाने भी दिया जाएगा तो वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। अब दुबई के लिए जो गाइडलाइंस है लेटेस्ट है 96 आवर्स का जो है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि दुबई के लिए 96 आवर्स का जो है वो टाइम पीरियड है कि आप जाने से आपका डिपार्चर, अराइवल और कोविड रिपोर्ट का सैंपल कलेक्शन ये 96 आवर्स के बीच में होना चाहिए। तो ये तो थे सारी चीज़ें। और हाँ, जो आपका वीज़ा है वो आपके साथ आपके हाथ में उसकी प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए, टिकट की प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए, मोबाइल में भी होनी चाहिए, लेकिन अभी बहुत सारी कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है कि हाथ में प्रिंटेड पेपर भी होना चाहिए। कोविड की रिपोर्ट प्रिंटेड होनी चाहिए, एक वो जहाँ से आप हॉस्पिटल में गवर्नमेंट में करवाते हैं वो आपको रिटर्न भी देते हैं, और एक अगर आपके मोबाइल पर लिंक आता है वो लिंक को आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से एक आपकी रिपोर्ट होगी, जब आप सैंपल देते हैं आपके पास मैसेज आता है रजिस्ट्रेशन का, फिर उसके 2 दिन के बाद एक रिपोर्ट आती है, वो एक डाउनलोड करके आपको उसी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से साइन करवाने होते हैं, तो वो होगी प्रिंटेड रिपोर्ट। वो प्रिंटेड रिपोर्ट ही चलती है। बहुत सारे पैसेंजर्स वहाँ पे प्रिंटेड रिपोर्ट नहीं लेके आ रहे, सिर्फ उनको लगता है कि हाँ मोबाइल में आ गया है तो मोबाइल में दिखा देंगे, लेकिन नहीं, अगर वो प्रिंटेड रिपोर्ट आपके पास मोबाइल में स्क्रीनशॉट ईमेल है तो भी आप नहीं जा सकते, आपके पास प्रिंटेड रिपोर्ट होनी चाहिए ऐसे वाली। ये मैं इसका लिंक, क्योंकि अभी तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन इसका एक स्कैन कॉपी मैं अपने लिंक में दे दूंगा, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप सीधा वहीं पर देखेंगे आपको ऐसी ही रिपोर्ट चाहिए। तो बहुत सारे डॉक्टर से वो हैंड रिटन रिपोर्ट मिल रही है, तो मैंने जहाँ से भी अब टिकट बुकिंग की है मेक माई ट्रिप से फॉर एग्जांपल, फिर मैंने एयरलाइंस की गाइडलाइंस चेक की है, फिर मैंने कोविड रिपोर्ट की वो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वो सारी पड़ी हैं एयरपोर्ट पे भी, सिर्फ इतना मेंशन किया हुआ है कि आप अपनी रिटर्न जो आपकी सॉफ्ट कॉपी है वीज़ा की टिकट की वो लेके आइए, कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि आपकी कोविड की रिपोर्ट प्रिंटेड ही चाहिए। प्रिंटेड चाहिए लेकिन हाथ में चाहिए चल जाते वक्त, ट्रैवल करते वक्त, वो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है अभी तक फिलहाल। हाँ, ये ज़रूर लिखा है कि आपको रिपोर्ट वहाँ से लेनी है, लेकिन पैसेंजर्स को पता ही नहीं होता वो सब। चलो एनीवे, तो ये तो हमारा एक सेक्शन, इसको लेके आपके जो भी सवाल होंगे आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दूसरे सेक्शन में जाते हैं, जो जिसमें एक मैंने बोला था 2-3 चीज़ों की मैं वाट लगाने वाला हूँ, तो ये वीडियो फ़िलहाल मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, ये जो सेक्शन यहीं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मैं वाट लगाने वाला हूँ जो ऑनलाइन फ्रॉड बैठे हुए हैं, जो स्कैम करते हैं लोगों के साथ, अब वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो मैं एक चीज़ को एक्सपोज करने लगा हूँ आज। तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए।